नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। मैं हूं राहुल कुमार। पेगासस मामले पर सियासी बवाल जारी है। विपक्ष चौतरफा मोदी सरकार को घेर रही है, वहीं देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट में भी सुनवाई जारी है। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने अहम टिप्पणी की। कोर्ट में मंगलवार को सुनवाई के दौरान मुख्य न्यायाधीश जस्टिस एनवी रमन्ना ने कहा कि बहस सिर्फ कोर्ट में होनी चाहिए, सोशल मीडिया पर नहीं। 10 याचिकाओं पर सीजीआई की बेंच सुनवाई कर रही है। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि किसी को भी सीमा नहीं लांघनी चाहिए। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता और याचिकाकर्ताओं से एनवी रमन्ना ने कहा कि किसी को भी अपनी सीमा पार नहीं करनी चाहिए। सभी को इस मामले में अवसर प्रदान किया जाएगा। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि याचिका दायर करने वालों को सिस्टम में भरोसा रखना चाहिए और समानांतर रूप से सोशल मीडिया पर किसी तरह की बहस से बचना चाहिए। अदालत ने याचिकाकर्ताओं में शामिल विपक्ष के नेताओं और पत्रकारों से कहा कि उन्हें जो कुछ भी इस मामले पर कहना है अदालत में ही कहना चाहिए। इसके अलावा कोर्ट ने मामले की सुनवाई अगले सोमवार तक के लिए स्थगित कर दी है। सरकार का पक्ष रख रहे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता की ओर से अतिरिक्त समय मांगे जाने पर कोर्ट ने अगली तारीख तय की है। 16 अगस्त को कोर्ट मामले की सुनवाई होगी। इस मामले में पत्रकारों, वकीलों, सामाजिक कार्यकर्ताओं और एडिटर गिल्ड्स ऑफ इंडिया की तरफ से अर्जियां दायर कर एसआईटी जांच की मांग की गई है। सुप्रीम कोर्ट के रिटायर या मौजूदा जज की अध्यक्षता में एसआईटी गठित कर जांच करवाई जाए। इससे पहले इस मामले में 5 अगस्त को मुख्य न्यायाधीश एनवी रमन्ना और जस्टिस सूर्यकांत की पीठ ने सुनवाई की थी। 5 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि मीडिया रिपोर्ट्स में पेगासस को लेकर जो बातें कही जा रही है, यदि वो सच है तो फिर आरोप गंभीर है। इस खबर में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।